बर्फ हर किसी को पसंद होती है और यही वजह है कि नए साल के जश्न के लिए लोगों की पहली पसंद हिल स्टेशन ही होते हैं, ताकि ठंड में बर्फबारी का मजा उठा सके और नए साल का स्वागत हो सके। और जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। मसूरी की पहाड़ियां रोशनी से सराबोर नजर आई हैं। नए साल के आगमन के लिए मसूरी पूरी चमक धमक के साथ तैयार है। वहीं शिमला के माल रोड पर लोगों का जमावड़ा हमेशा की तरह बढ़ता जा रहा है। लोग खरीदारी करने में यहाँ मशगूल नजर आएंगे आपको। और मनाली में कुछ लोग बर्फ का मजा लेते देखे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पैराग्लाइडिंग करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि लोग इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये तीन तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। और नए साल के भव्य स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। मसूरी में न्यू ईयर के मौके पर पर्यटकों के लिए खास विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है और पर्यटक इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। रोशनी में नहाई पहाड़ों की रानी, नए साल पर जगमग मसूरी कुछ इस तरह से तैयार है मेहमानों के अगवानी के लिए। मसूरी में नए साल का जश्न मनाने वाले पर्यटक लगातार मसूरी पहुंच रहे हैं। मौसम भी खुशगवार है और उम्मीद है कि कुदरत भी मसूरी पर मेहरबान होगी और एक दो दिन में यहां जबरदस्त बर्फबारी होगी, जिसके लिए पर्यटक यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मसूरी में विंटर कार्निवल के साथ साथ न्यू ईयर की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। देखो, पता चला है यहाँ पे बड़ा अच्छा फेस्टिवल चल रहा है मसूरी में। यहाँ पे सारे होटल्स ने बड़ी अच्छी तैयारी करी हुई है। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। सब आओ, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं यहाँ पे। पूरी मॉल रोड बहुत अच्छे से डेकोरेट करी हुई है, फेस्टिवल्स चल रहे हैं। नए साल के लिए एक्साइटेड है और यहीं पर मनाएंगे। यहाँ की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी है, होटल की भी देख सकते हो मसूरी में जो, और मॉल रोड वगैरह पे प्रेपरेशन की हुई है, बहुत अच्छी है। अगर आप नए साल का जश्न मनाने मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बार उत्तराखंड का खास व्यंजन भी आपका इंतजार कर रहा है। इस बार मसूरी के होटल्स में न्यू ईयर पर गढ़वाली फूड को भी पर्यटकों के लिए परोसने की तैयारी की जा रही है। कंडाली की काफली, ये बिच्छू घास का, और लाल चावल का भात, और साथ में मंडुए की रोटी, झंगोरे की खीर और कुलत के कबाब। एक तरफ मौसम को लेकर भी पर्यटकों की आस है और अगर न्यू ईयर पर बर्फबारी हो जाए तो नए साल का मजा दो गुना हो जाएगा। नए साल के मौके पर मसूरी के होटल पर्यटकों से भर रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ और पार्किंग की समस्या को देखते हुए कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की गाड़ी को रोकने की भी खबर है। हालांकि होटल मालिकों का कहना है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए होटलों में अब भी पर्याप्त जगहें हैं। तो मेरा पर्यटकों को ये संदेश है कि मसूरी में होटलों में पर्याप्त स्थान है, अभी भी बहुत सारे होटलों में ऑक्यूपेंसी है, और पर्यटकों को वहाँ पर ना रोका जाए, उनको मसूरी भेजा जाए। इस टाइम बुकिंग्स जो है हमारी, अभी पिछले तीन दिन तो बहुत अच्छा रश यहाँ पर रहा है। 23, 24, 25 तारीख को बहुत अच्छा रश रहा है। अभी ये दो या तीन दिन जो है बिल्कुल अभी थोड़ा सा डल हो गया, लोग चले गए, मगर फिर मैं समझता हूँ 30, 31 और 1 तारीख को बहुत अच्छा रश रहा है। नए साल के मौके पर मसूरी में पर्यटकों को लुभाने के लिए मॉल रोड पर विंटर कार्निवल के साथ साथ सांस्कृतिक और लोक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन रखा जा रहा है, ताकि पर्यटक नए साल पर उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो सके। ज्यादा से ज्यादा जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी पर्यटक हैं 31 जो है मसूरी में आए और मसूरी में मनाएं। इस बार प्लानिंग है हमारे काफी होटलों में यहाँ पर कि अपना उत्तराखंड का कल्चर दिखाएंगे, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वेशभूषा से हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। साल 2017 जाने को है और नया साल 2018 दस्तक देने वाला है। अगर आप भी नए साल के मौके पर हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, तो फिर मसूरी आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल के शिमला और मनाली की। जिस तरीके की तैयारियां आपने देखा कि पहाड़ों की रानी मसूरी में आपको देखने को मिल रही है, कमोबेश यहां पर भी आपको वही तस्वीर नजर आएगी। नए साल मनाने के लिए पर्यटकों की संख्या लगातार यहां बढ़ती जा रही है। मनाली में नया साल मनाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा, बर्फबारी का लुत्फ लेते सैलानी, बर्फ की चादर में ढके पहाड़ पर पड़ती सूर्य की किरणें, नए साल पर कुछ इस तरह कुदरत के नायाब तोहफे लिए मनाली के पहाड़ सैलानियों को आवाज दे रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए जो सैलानी पहुंच रहे हैं, वो कुछ इस तरह बर्फबारी के बीच कुदरत के इस हसीन लम्हे का आनंद उठा रहे हैं। नए साल पर मनाली के होटल भर चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मनाली के तमाम होटल इन दिनों 90% भर चुके हैं।
जबकि 30 और 31 दिसंबर में तो सभी होटलों की बुकिंग अभी से 100% पैक हो चुकी है। आपको बता दें कि दो हफ्ते पहले ही मनाली के पास के पर्यटन स्थलों में ताजा बर्फबारी हुई थी जो अभी तक मौजूद है, जिसमें पर्यटक इन दिनों खूब मस्ती ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट शिमला में भी नए साल पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो रही है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों से पर्यटक यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। शिमला के मॉल रोड पर पर्यटक स्ट्रीट फूड का आनंद उठा रहे हैं। खासकर शिमला का गर्मा गर्म गुलाब जामुन लोगों को खूब लुभा रहा है। देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक स्ट्रीट फूड है जो गुलाब जामुन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो पर्यटक बाहर से आते हैं स्थानीय लोगों के साथ साथ वो यहाँ पर गुलाब जामुन गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का भरपूर यहाँ पर आनंद लेते हैं। हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पर जुड़ी हुई है, उनसे जानेंगे। बहुत अमेजिंग, हम स्पेशली दिल्ली से गुलाब जामुन खाने आए हैं। मुझे लगता है सेलिब्रेशन के टाइम मीठा होना ज़रूरी है, और वो भी ठंड में, तो मीठे की वैल्यू और बढ़ जाती है, तो गुलाब जामुन बेस्ट चीज़ है शिमला में आके खाने के लिए। एक स्ट्रीट फूड के नाम पर जो है गुलाब जामुन एक पहचान बन चुके हैं शिमला के। हाँ। खासकर जो मॉल रोड पे जब आप मॉलिंग करते हैं शाम के टाइम, तो एक अलग सा मजा आता है इनको खाने का। बचपन से खाने सर यहाँ पे, मतलब बचपन से बच्चों अपना पेरेंट्स के साथ आते थे, फ्रेंड्स के साथ आते थे, आज फैमिली के साथ हैं। सिर्फ गुलाब जामुन ही नहीं, शिमला का खास गर्म दूध और गर्मा गर्म जलेबी देख तो मुँह में पानी आ जाता है। नए साल के मौके पर आने वाले पर्यटकों के लिए देसी घी में बनी जलेबियां किसी तोहफे से कम नहीं है। शिमला में जलेबी और गर्म दूध की ये परंपरा 100 साल से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। शिमला में अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें, और अगर आप शिमला में हैं और खासकर लोअर बाजार में, और अगर आपने देसी घी से बनी हुई जलेबियाँ और दूध नहीं पिया, तो आपने शिमला में आकर कुछ नहीं किया। अभी हम एक लोअर बाजार के जो मिडिल बाजार है वहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं बड़ी सी एक कढ़ाई है, इसमें दूध सुबह ही डाल दिया जाता है और शाम तक ये इस तरह ही उसको काट काट के जो है वो दूध को लोगों को सर्व किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये इसमें मलाई और बादाम केशव हर चीज़ जो है इसमें डाली जाती है, और उसी के साथ आप ये देख सकते हैं ये जलेबी है और ये देसी घी में बनी हुई है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये 1900 से शॉप है और करीब 117 साल इस शॉप को हो गए हैं। सर मेरे को 25-30 साल हो गए जलेबी बनाते हुए। तो इसमें स्पेशल क्या है जलेबियों? स्पेशल देसी घी की जलेबी है हमारी यहाँ, और यहाँ दूध और जलेबी ज़्यादा चलती है। कितना टेस्ट है जलेबियों देसी घी से बनी? वेरी टेस्टी। खाई आपने जलेबी? कितनी टेस्टी है? टेस्टी है। तो देसी घी से बनी जलेबियाँ जिसका स्वाद जो है स्थानीय ही नहीं, देश विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस देसी घी से बनी जलेबियों का मजा यहाँ पर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, शिमला। तो तरह तरह के व्यंजन जश्न में मिठास जरूर खोल रहे हैं, और यही वजह है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए जो सैलानी हैं वो शिमला में लगातार पहुंच रहे हैं। और ऐसे ही कुछ पर्यटक जब वहां पर पहुंचे तो हमारे सहयोगी यानी विशाल ठाकुर ने उनसे बातचीत की है, आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत राजधानी शिमला जो अंग्रेजों ने बसाई थी, और यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं, चाहे हम देश की बात करें चाहे विदेशों की बात करें। ये हमारे साथ एक पूरी फैमिली यहाँ पर जुड़ी है, उनसे जानेंगे। न्यू ईयर आने वाला है, ठंड भी है, किस तरह से सेलिब्रेशन रहेगी? यार देखो, हम तो यहाँ पर शिमला घूमने आए थे, बर्फ़ इंजॉय कर रहे हैं, पर बर्फ़ पड़नी नहीं, पर तो अभी ठंड को पूरा एन इंजॉय कर रहे हैं। न्यू ईयर कार्निवल पूरा एन मज़ा आ रहा है, हम फोटो खिंचा के पूरा एन इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बस इस समय में बर्फ़ नहीं दिख रही है, बाकी तो मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और बस हम एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ। जैसे कि हॉलीडेज चल रही है विंटर की, तो स्पेसिफिकली सारे सोचते हैं कि स्नोफॉल होगा तो हम घूमने जाएंगे और एंजॉय करेंगे, बट इस बार स्नोफॉल जैसे पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी पहले स्नोफॉल हो जाती थी 15 दिसंबर तक, बट यहाँ पे स्नोफॉल का कोई मतलब नज़र ही नहीं आ रहा, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अगर हम वेदर न्यूज़ भी देखें कि आगे जैन तक भी कोई वो नहीं है कि स्नोफॉल होने वाली है, क्योंकि अभी अगर हम स्नोफॉल एक्सपेक्ट करते तो हमें आगे कुफरी तक जाना पड़ता है, बट स्टिल शिमला इज़ द क्वीन ऑफ हिल्स, तो यहाँ पर हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, वेदर वैसे अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह भी है देखने के लिए। जो शिमला पर्यटक आते हैं वो एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर ठंड होगी और बर्फबारी होगी और बर्फ़ का वो भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन जिस तरह से शिमला कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को मायूसी तो है यहाँ पर नज़र होती हुई नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला। वैसे तमाम खूबसूरती को समेटे हुए है शिमला, लेकिन एक बात है कि शिमला पहले जैसा नज़र नहीं आता है, खासकर फेस्टिवल सीजन में शिमला की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा सी जाती है।
पर्यटकों को पार्किंग की गंभीर समस्या से दो चार होना पड़ता है और अक्सर हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि ट्रैफिक जैम से शिमला की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग जाता है। शिमला एक ऐसा शहर जिसका नाम आते ही जहन में बर्फ, सर्दी और हिल स्टेशन की याद ताज़ा हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों के वक्त बसाए गए इस शहर की आबोहवा और फिजा बदलती जा रही है। बाकी शहरों की तरह अब शिमला भी ट्रैफिक जाम और पार्किंग की गंभीर समस्या से जूझने लगा है। नए साल समेत तमाम फेस्टिवल सीजन में शिमला की हालत ऐसी हो जाती है कि सड़कों पर आपको हर 50 मीटर बाद जाम देखने को मिलेगा। शिमला का रुख करने के साथ साथ शिमला में गाड़ियां जिस तरह बेतहावा यहां पर पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट शिमला पहुंचते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से न्यू ईयर का जश्न है और पहाड़ों में हर कोई जो है न्यू ईयर को यहां पर जश्न के तौर पर यहां मनाना चाहता है, उसी को लेकर जो है लोग शिमला का रुख करते हैं। जिस प्रकार से गाड़ियाँ बढ़ रही है, हमारा यातायात जिस प्रकार बढ़ रहा है, पार्किंगों की सुविधा बड़ी कम है, इसलिए शिमला शहर को चाहिए कि इसको 4 जोनों में बांटा जाए। फेस्टिवल सीजन पर शिमला में पार्किंग की समस्या कभी कभी विकराल हो जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि शहर में गाड़ियां खड़ी करने की जगह तक नहीं मिलती, तब प्रशासन को शहर के बाहर ही पर्यटकों की गाड़ी को रोकना पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि वो अपना कहीं और जगह थोड़ी व्यवस्था करे, जहाँ खाली जगह पड़ी है वहाँ पे गाड़ी लगाने का बंदोबस्त करे, ना कि टूरिस्ट को तंग किया जाए। शहरीकरण की आंधी में शिमला की खूबसूरती कहीं गुम नजर आती है। खासकर शिमला की पहचान रहे हरे भरे पेड़ अब कम ही नजर आते हैं, दिखता है तो कंक्रीट के निर्माण का जाल। ऐसा लगता है ये बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि कंक्रीट का पहाड़ हो गया हो। अंग्रेजों का बसाया हुआ खूबसूरत शहर शिमला आज कंक्रीट में तब्दील हो चुका है और कंक्रीट की तब्दीली की वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो कम आना शुरू हो गए हैं और जिस तरह से जो शिमला के आसपास के जो टूरिस्ट इलाके हैं वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिमला है और ये जिसको जो है रात को अगर देखें तो ऐसा लगता है एक पहाड़ पे जैसे तारे लगे हों, अगर आप दिन को देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे कंक्रीट का ये जंगल है और पूरा कंक्रीट में तब्दील हो गया, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज शिमला पूर्ण रूप से कंक्रीट के रूप में तब्दील हो गया है। थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो स्नोफॉल है वो कम हुआ, अदरवाइज हमने यहाँ पे 2.5-3 फीट स्नोफॉल रिज और माल पे देखा है। पहले अक्सर शिमला में बर्फबारी नजर आती थी लेकिन अब शहरीकरण की अंधी दौड़ में बर्फबारी कभी कभार ही नजर आती है। बाकी शहरों की तरह शिमला ने भी खूब तरक्की की लेकिन बढ़ती आबादी और बढ़ती जरूरतों ने इस मशहूर हिल स्टेशन पर ग्रहण लगा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला।